देश की इस सरकार में लगातार हम देख रहे हैं भय, भूख, भ्रष्टाचार और भय का अर्थ ये हो गया कि राजस्थान का आम व्यक्ति, आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आप कल रात की जो घटना जोधपुर जिला के ओशा के चिराई गांव की हुई है, इससे हम कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन का भय आम अपराधियों में नहीं है और पुलिस प्रशासन एक निकम्मा और लटकारा है जिसने जनता के बीच में किसी तरह की कोई व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रहे, कानून व्यवस्था मजबूती के साथ लोगों को विश्वास हो हम सुरक्षित हैं। और जो आज दुर्भाग्य से हम कह सकते हैं कि चिराई की घटना और जोधपुर के अंदर जिस तरह बलात्कार की घटनाएं हो रही है, एक के बाद एक घटना जिसको हम भूल नहीं पाते हैं और दूसरी घटना हो जाती है, ये सारे सवाल निशान राजस्थान के मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा, इतनी शर्मनाक घटनाएं आपके गढ़ जिले में हो रही है, पूरे राजस्थान में हो रही है, उसका आपके पास क्या जवाब है? आज हम इसलिए कह रहे हैं कि राजस्थान न सहेगा, मतलब हम इन घटनाओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सारे प्रदेश में हर जिले में इसके सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं एक बार इतना कहना चाहूँगा, राजस्थान का आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। थैंक यू।